विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1403 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 11490 हो गई है और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके अब उनकी संख्या बढ़कर के 22689 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 913 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड्स में इस समय 11496 लोग रखे गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में कुल 4191 लोग हैं जिनके सैंपल लेकर उनकी जांच की जा रही है। कल प्रदेश में आरटीपीसीआर और ट्रूनेट मशीन और जो हम रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं इन सब के माध्यम से 42354 टेस्ट किए गए। ये अब तक का सबसे अधिक टेस्ट का रिकॉर्ड है एक दिन में 42354। और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 11,16,466 टेस्ट किए जा चुके हैं। पूल टेस्ट के माध्यम से 5-5 सैंपल के 2,443 पूल लगाए गए जिनमें 370 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 473 पूल लगाए गए जिसमें 95 में पॉजिटिविटी देखी गई। आज हम लोगों ने टेस्टिंग के क्षेत्र में एक और वृद्धि की बढ़ोतरी की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7 आरटीपीसीआर की नई प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया गया। अलीगढ़, मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, गोंडा, बरेली और बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ, इन 7 जगहों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आरटीपीसीआर के की नई प्रयोगशालाएं स्थापित की गई जो आज से कार्यशील हो गई हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनका लोकार्पण किया गया। आज आप जानते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस है और आज प्रातः 5 कालिदास मार्ग पर एक गरिमापूर्ण कार्यक्रम हुआ जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसमें वो मुख्य अतिथि थे, उनके द्वारा जो हमारा पखवाड़ा होता है जनसंख्या पखवाड़ा उसका शुभारंभ किया गया और 7 प्रयोगशालाओं को लोकार्पित किया गया।